Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata हरे कृष्णा, आप सबको धन्यवाद बोलना चाहिए माता जी। मुझे ये अवसर दिया रामनवमी का दिन हम सब भगवान के बारे में बात करने का। अभी एक्चुअली आपका ये श्लोक हो रहे ना, वो प्रेयर के बाद में बताऊंगी। सो आप सबका आशीर्वाद लेके मैं क्लास शुरू करूंगी माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तदोचयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्थिति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपाकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्ण, आज का आप लोग मुझे दिया था सेकंड स्कंद से फिफ्थ चैप्टर एंड टेंथ वर्स था, दस का। इसमें एक्चुअली ये चैप्टर का नाम था सर्व कारण कारण। इसमें पहले क्या होता था, नारद जी ने वो ब्रह्मा जी को प्रश्न पूछता था, कितना 6 प्रश्न पूछता था। किसके बारे में, वो ब्रह्मांड के बारे में, ये यद रूपम, ये क्रिएशन कैसा होता है, यद यद अधिष्ठानम, यद सृष्टम, यद समस्तम, यद परम, यद च, मीन्स ये कैसा बनता है, कैसा होता है, किसका अधीन में होता है, किसके से वो फिर से डूब जाता है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। पूछने के बाद ये 6 क्वेश्चन पूछ के वो बताए, आपने पुरुषोत्तम है, आपने ईश्वर है, सब बोल के, मगर भी मुझे एक डाउट आ रही है, क्योंकि एक संदेह है मुझे। क्या है वो संदेह, आपने इतना सृष्टि किया, आपने इतना ईश्वर है, पुरुषोत्तम है, मगर भी आप इतना तपस्या के, किसका ऊपर तपस्या किया था, ये सब क्रिएशन आप अकेले नहीं किया, वो डाउट है, संदेह आया था, वो संदेह से ये पूछा था, मुझे उत्तर दीजिए, मैं सुनने के लिए रेडी हूं करके नारद जी ने वो ब्रह्मा जी को पूछा था। ब्रह्मा जी ने तुरंत क्या है, 8 श्लोका में आप सबको पता है, 1 मिनट। सो ब्रह्मा जी ने क्या बोला था, हे मेरा वत्स नारद, तुमने सबों पर और करुणा, मुझ पे भी करुणा करके ही ये सारे प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि इनसे भगवान के पराक्रम के बारे बारीके से देखने के लिए प्रेरित हुए हैं। क्यों इन क्योंकि ये क्यों बोला था कि कभी भी आप लोग, अभी ब्रजप्रिया माता जी ने मुझे कॉल किया, मुझे कॉल करने के बाद तुरंत मैं माता जी धन्यवाद बोलती हूँ, आप क्यों धन्यवाद बोलते हैं, नहीं, क्योंकि आपने मुझे भगवान के बारे में सोचने के लिए और भगवान के बारे में स्मृति करने के लिए और भगवान के बारे में बोलने के लिए एक अवसर दे रही है, इसके लिए वो थैंक यू बोलना पड़ता है। क्योंकि अभी नहीं है तो वो टाइम पे मैं टीवी देख सकती हूँ, नहीं तो किसके साथ बात कर सकती हूँ, इसलिए इधर भी ब्रह्मा जी ने बोल रही है, मुझ पे करुणा दिखाया और सब में भी करुणा दिखाया, इसकी वजह से आपने भगवान को तरफ से बोलने के लिए, देखने के लिए, मुझे बात करने के लिए आपने अवसर दिया, इतना अच्छा प्रश्न पूछा है करके बोल रही है। और बाद में आज का श्लोका है, कौन सा श्लोक है, नानृतम तव तच्छापि यथा मां प्रब्रवीषि भोः
अविज्ञाया परम मत्ता एतावत्त्वं यतो हि मे। सो ये बोला था ब्रह्मा जी ने, वो फर्स्ट वत्सा करके उसको अच्छे से बुलाया और आपका प्रश्न इतना अच्छा है, इसकी वजह से मुझे भगवान के बारे में बोलने के लिए, देखने के लिए अवसर मिल रही है करके। अभी क्या बोल रही है तात्पर्य और भाष्यम प्रपादल द्वारा, श्रील प्रपादल द्वार की जय। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, क्या कहा बोला, आपने पुरुषोत्तम है, ईश्वर है, मगर आपने किसका ऊपर तपस्या कर रहे, वो ये सब सच है, वह असत्य नहीं है, सत्य ही है। क्योंकि जब तक कोई उन भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता, क्योंकि वो यजमानी कौन है किसी को मालूम नहीं होता है, वो तब तक क्या सोचते हैं, मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ये सृष्टि करता हूँ करके बताते। रीजन क्या है उसके लिए, एक भगवान के विषय में पता नहीं है, दूसरा जो मुझसे पेरे परम सत्य रूप है, मेरे का ऊपर मत्ता पर्द, इनका नाक, मेरा ऊपर भी कोई और है, वो किसी को अभी मालूम नहीं है, इसकी वजह से वो लोग क्या सोचते हैं, मैं ही यजमानी हूँ, मैं ही सृष्टि करता हूँ करके सोचते रहते। तब तक वह मेरे सशक्त कार्य लाभों में निश्चित रूप से मोहित होते रहेंगे। सो इसमें सब हमने भ्रम पे रहता है, कोई देख शिवजी ग्रेट है बोलते हैं, कोई नहीं नहीं ब्रह्मा ग्रेट है बोलते हैं, वो सब ऐसा क्यों बोल रही है, बिकॉज भगवान के बारे में मालूम नहीं है, ये विषय के बारे में मालूम नहीं, हम भी ये इस कान पे नहीं आया, पहले क्या है वो रामायण महाभारत ये सब पढ़ते, तो नॉर्मली मेरा विलेज में हमको रामायण ये सब दिखाते रहते थे, मेरा छोटा एज में टीवी रख के मेरा मम्मी पापा ये सब देखते रहते थे, हम भी देखते, वो हमने क्या सोचा, ओके ब्रह्मा शिवा विष्णु है, ब्रह्मा शिवा को भी कोई प्रॉब्लम आ रही तो शिवजी को भी नारायण के पास जाते हैं, नारायण हेल्प करते, सो इतना तक ही मतलब मालूम है, मगर बाद में अभी इधर इस कान पे आने के बाद वो कृष्णा है, कृष्णा से ही ये सब लोग आते हैं, और नारायण का भी कृष्णा की फर्क नहीं, मगर कृष्णा का एक अवतारी है, सो ये इधर लोक का सृष्टि करने के लिए सबके लिए ब्रह्मा आते, ये सब का नॉलेज हमको मिला है, अभी हमको कौन सा रूप है, कौन भगवान है, कौन ये सब लोग देवता से वो क्या क्या काम करते है, ये सब हमको मालूम पड़ा, नहीं ये तो क्या होता है हमको, वो हमने क्या सोचते है, वो यही ग्रेट है, हमारा अंदाजा से रखता है, क्योंकि ये सब मोह की तो के, क्योंकि हमारा ज्ञान नहीं है, इसकी वजह से हमने मोह में डाल के ये सब होता रहता है। सो इस दर ब्रह्मा जी ने क्या सच बोल रही है, अभी हम वो भी किसी को बोलना है तो अभी कोई लोग हमने क्रेडिट, अभी मैं क्लास लिया, माता जी आप इतना अच्छा क्लास लेते हो, ऐसा ऐसा क्रेडिट दिया तो वो मैंने हाँ करेक्ट 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 करके मैंने लिया, तो वो गलत है, सच बोलना चाहिए, क्योंकि अभी गुरु कृष्णा की कृपा की वजह से हमारा अंदर का मोह चला गया था, सो ये हम मालूम होना चाहिए, सो हमारा भगवान का मिलके ब्रह्मा जी का ऊपर कौन है वो मालूम होना चाहिए। इसके लिए प्रभुपाद ने इतना अच्छा तात्पर्य लिखा था, इतना अच्छे से हमको समझाना पड़ रही है, क्योंकि हमको ये ज्ञान मालूम होना चाहिए, अभी कैसा मालूम होना चाहिए, प्रत्यक्ष हम देख के हमने अंदाजा लगाना चाहिए, नहीं ये तो कोई बोल दिया था हमको, ओके वो बड़ा है, इतना कृष्णा बड़ा है बोलते तो कृष्णा पुरुषोत्तम है, भगवान है बोलते तो उसके साथ हमने अंदाजा करना चाहिए, अनुमान के साथ करना चाहिए, नहीं तो शब्द प्रमाण किसी हमने गुरु के पास जाके उसके साथ क्रम पद्धति में हमने सीखना चाहिए पारंपरिक विधा से। सो ये सब हमको प्रभुपाद ने बता रहे, सो इधर भगवान का विशिष्टता बोल रही है, क्योंकि और हमको कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए, हमने सच्ची रूप से भगवान कौन है वो जानना चाहिए गुरु के पास जाके, ये दोनों विषय के बारे में प्रभुपाद ने हमको बोल रही। अभी देखो इधर अभी मैंने एक नया घर गया, ओके किसी के फ्रेंड का घर जाना था, तो कभी भी उसका घर नहीं गया, मालूम नहीं है, मैं गई थी, उधर जाने के बाद देखा था एक काम पर्सन ने अच्छे से अंदर से काम कर रहे थे, वो खा रहे थे पी रहे थे, वो सब देख के वो मैंने सोचा वो ही यजमानी होगा करके, अंदर जाके वो यजमानी जैसा करके आप ये करके मैं बात कर रही थी, बाद में बोला नो 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 मेरा यजमानी दूसरा है, मैं नहीं हूँ करके बोल रहे। सेम ऐसा ही इधर एक बार क्या हो गया,
पाप क्रिश्चियन का वो पॉप्स होता है ना, वो ये दूसरा कंट्री से आ गया था इंडिया। इंडिया आने के बाद एयरपोर्ट में एक ड्राइवर ने खड़ा है उनको लेके जाने के लिए, मगर वो ड्राइवर आने के बाद उसको इमरजेंसी जाना था पॉप को, इसके लिए टाइम नहीं है, आप पीछे बैठो मैं ही ड्राइव करके लेके जाता हूँ करके वो गाड़ी लेके जा रहे थे। वो स्पीड में क्या है सिग्नल क्रॉस करके वो चला गया था। तुरंत पुलिस ने कमिश्नर को, क्योंकि उधर होता है ना वो सीसीटीवी वो सब देख के, वो उधर ट्रैफिक पुलिस मैन, वो उसने कमिश्नर को कॉल किया, ऐसा ऐसा एक गाड़ी ने क्रॉस करके गया, हमने क्या करना चाहिए करके, कौन सा गाड़ी है कौन है करके बोला था, पूछ लिया तो वो बोलते हैं ये भगवान हो सकता है, भगवान का जैसा लग रही है करके, क्यों नहीं वो पाप ड्राइव कर रही है, मींस ड्राइवर पाप हो गया तो वो भगवान ही हो सकता है ना, क्योंकि पाप ही बहुत बड़ा बड़ा व्यक्ति है, उसका पीछे ड्राइवर बैठा है एक्चुअली, बट ये क्या सोच रही है क्योंकि ड्राइवर ही पाप है तो वो आदमी कितना बड़ा होगा करके। सो ऐसा होता है, हमको भगवान के बारे में पता नहीं है तो हम अंदाजा करके ये भगवान हो सकता है, ये शिवजी भगवान हो सकता है, शनिदेव भगवान हो सकता है, देवता हो सकता है, ऐसा ऐसा करके हम जाता रहते हैं। उसके लिए प्रभुपाद ने तात्पर्य में वो मिस्टर डॉक्टर डॉग करके फिलॉसफी होता है उसके बारे में प्रभुपाद बहुत बार इसके बारे में बोलता रहता है, क्योंकि एक मेंढक होता है वो कुएं में रहता था, ओके उसने सोचता है वो ये मेंढक में ही ये सबके ये कुएं के बारे में पता है, पूरा नॉलेज मेरे पास है करके वो घमंड में रहता था, मगर एक दूसरा मेंढक आके बोलते है ये कुएं बहुत 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 छोटा है, बहुत बड़ा समुद्र है, ओके वो इतना समुन्दर है, वो समुन्दर इतना बड़ा है, ये पहले मानता नहीं है, नहीं इसका बड़ा कोई नहीं हो सकता है मुझे पता है करके, क्योंकि वो अंदाजा से, बाद में बोलते हैं ओके मान लिया तो भी थोड़ा ओके ठीक है, मगर इतना बड़ा हो सकता है फुल के और इतना बड़ा हो सकता है ऐसा फुल 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 फुला 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 रही है, बाद में क्या हो गया स्टमक फाट के वो डेथ हो गया था, वो मर गया था। सो ऐसा होता है, हमारा बुद्धि इतना छोटा है उसी से हमने अंदाजा करने लगता है ओहो कृष्णा ऐसा हो सकता है, भगवान ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा करके हमने अंदाजा करने के लिए हमने प्रयास करते 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 जाते थे, जाने के बाद हमका मरण समय आता है कुछ भी पता नहीं है हम मर जाते हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने गुरु के पास जाना है, गुरु के पास जाके पारंपरिक गुरु के पास जाके हमने उसी से सीख लेना है, हम खुद ज्यादा लोग हमको बोलते हैं क्यों मैं पढ़ रही हूँ क्यों सुनना चाहिए किसी के साथ जाके, मुझे आता है मैं पढ़ रही हूँ मुझे समझ पा रही है करके, मगर कितना समझ पाते क्योंकि हमारा बुद्धि बहुत कम है, उसी बुद्धि से हमने ट्राई करते हैं समझने के लिए मगर पूरा टाइम चला जाता है। इसके लिए क्योंकि मैं ज्यादा तक मैं एग्जाम्पल यूज करती हूँ, क्योंकि हमने एक शॉप को जाना है शॉपिंग के लिए जाना है तो हमको ऑलरेडी हमने वो इधर हो सकता है ढूंढ ढूंढ के जाना अच्छा है नहीं, ये तो ऑलरेडी जाके आया उनके पास जाके ये रास्ता बता दो ना डायरेक्टली सीधा जा सकता है, सो कौन सा अच्छा पद्धति है, क्योंकि हमने सीधा ऑलरेडी जाके आया उनको से पूछते, सो ये गुरु ऐसा होता है ऑलरेडी वो तत्व के बारे में पता है उनके पास जाके सीधा हमने पता करके जा सकता है करके बोल रही। और कुछ लोग क्या है उनका शक्ति के बारे में पता चलता है, वो अभी शिव जी का इतना शक्ति है सो ये महान हो सकता है ये ग्रेट है करके उनके पीछे ऐसा 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 अंदाजा करके 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 ब्रह्मा जी तक जाते हैं, क्योंकि हमने ब्रह्मा जी का कितना बड़ा आयु है हमको पता है, क्योंकि भगवद गीता में होता है उनका दिव्य युग चार दिव्य युग, क्योंकि युग का फोर युग है, एक सत्य द्वापरा त्रेता एंड कलयुग, ये चार युग को मिला के एक महायुग बोलते हैं, ऐसा महायुग को एक 1000 times को कैलकुलेट किया तो उसका एक दिन का टाइम होता है, सो ऐसा 100 साल रहते हैं ब्रह्मा जी, सो इसकी वजह से हमने ओ हमारा अंदाजा के भी बिना है सो ब्रह्मा जी ने ग्रेट है करके उधर ही रुक जाता है, नहीं ब्रह्मा जी को भी इधर प्रभुपाद ने क्या बता रहे हैं ब्रह्मा जी को भी ऐसा वाला ब्रह्मा जी बहुत सारा लोग है, इधर का ब्रह्मा का आयु बहुत कम है कंपेयर टू
अदर ब्रह्माजीस। सो ये इसका हम क्या, पहले मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, वो ब्रह्मा मीन्स एक ही होता है, मगर हमने ये सृष्टि का कार्य, सृष्टि के बारे में सुना था, ये भगवत गीता में, ये सब में सुनने के बाद क्या पता चला, अनेक ब्रह्मांड हैं, एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा जी है। एक बार क्या होता है, चैतन्य चरितामृत में आता है, एक बार ये चतुर्मुख ब्रह्मा, चार मुख का ब्रह्मा, वो द्वारका जाते हैं कृष्णा को मिलने के लिए। वो जाने के बाद उधर गेट कीपर होता है, द्वारपालक ने बोलता है आप कौन है करके, ये क्या है, मैं ब्रह्मा हूँ आपको पता नहीं है करके, मुझे मालूम नहीं बोलता है, नहीं मुझे भगवान से मिलने के लिए आए थे। ओके आपने रुको, मैं भगवान अभी रेडी है नहीं है, मैं देख के आके बोलता हूँ तब आप अंदर जा सकता है करके उनको रुकवाते हैं। देन उसको आता है क्या हो गया, मेरे ब्रह्मा जी हैं और ये क्या पूछ रही है करके। उधर जाने के बाद द्वारपालक ने कृष्णा को बोलता है अभी एक ब्रह्मा बोल के आया था, मीन्स कौन सा ब्रह्मा आया करके बोलते हैं, हाँ मुझे पता नहीं है मैं पूछ के आऊंगे करके, पीछे आके ब्रह्मा जी को पूछते हैं आप कौन सा ब्रह्मा है, हाँ कौन सा ब्रह्मा क्या है, मैं चतुर्मुख ब्रह्मा, मैं एक ही ब्रह्मा हूँ, मुझे पता नहीं है, भगवान ने पूछने के लिए बोला, ओके मैं चतुर्मुख ब्रह्मा आया है करके बोलो करके बताते हैं। देन वो अंदर जाके बोल दिया, वो के परमिशन दिया, ये अंदर गया था। अंदर जाने के बाद उनको लग रहे थे ये क्या है, मुझे एक ही ब्रह्मा है ना, मैंने क्यों भगवान ने कौन सा ब्रह्मा है करके पूछा है करके वो डाउट व्यक्त करते हैं ब्रह्मा। देन भगवान ने सबका ब्रह्मास को बुलाते, ब्रह्मांड में कितना अनेक ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मा से एक एक ब्रह्मा का उसका ब्रह्मांड का विस्तीर्ण कितना है, इतना हिसाब से उनका मुख होता था। से अभी हमारा ब्रह्मा को चार मुख था, मगर एक एक ब्रह्मा को कोटि मुख था, एक को चार दस था, हंड्रेड था, ऐसा अनेक कोटि संख्या में ब्रह्मा जी आ गया था। सो इसलिए हमारा ज्ञान इधर तक छोड़ना चाहिए, हमने वो ज्ञान पूरी तरह पता चलना चाहिए वो गुरु के पास जाके। सो ये अनुमान, ओके अभी हमको पता चला जब गुरु के पास जाना है वो उसको तत्व पता है, सो उसके लिए ये सब है। मगर अभी हम देखा तो इधर नारद जी को क्यों डाउट आया, अभी नारद जी का संदेह आ गया ना, आपका ऊपर कोई है करके, हमने ऑलरेडी गुरु के पास जाना है, इधर नारद जी मुक्त पुरुष है, मुक्त पुरुष को भी कितना डाउट क्यों आया था, हमको संदेह आते थे, इसलिए प्रभुपाद ने इमीडिएटली हमको आंसर दे रही है, क्योंकि नारद जी अर्जुन के ये सबको मोह लगा, हमको लग रही है उसको मोह लगा, उनको पता नहीं है भगवान के बारे में। सी नारद जी पहले दासी पुत्र था, बाद में वो मुक्त पुरुष बन गए, उनको पता नहीं है भगवत के, भागवतम के बारे में, भगवान के बारे में, ब्रह्मा जी का ऊपर कोई होता है करके, क्योंकि ये सब भगवान ने क्यों करता है, ये लीला हम सबको ज्ञान देने के लिए, नहीं तो अभी अर्जुन को वो संदेह नहीं आया तो क्या होता था, हमको भगवत गीता नहीं होता था। सो इसलिए अर्जुन ने मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगी, प्लीज मुझे युद्ध मत करवा वो करके बोल दिया था, नहीं क्योंकि अभी वो युद्ध करने के लिए, उसको रेडी करने के लिए भगवान ने पूरा भगवत गीता बोल दिया था, इसकी वजह से हमको वो भगवत गीता का ज्ञान मिल रही है। अभी इधर नारद जी भी क्यों पूछ रही है, क्योंकि ब्रह्मा जी ऑलरेडी हमने सोच रहे ब्रह्मा जी के पास बहुत शक्ति है, ये भगवान कहकर सोच रहे थे, मगर हमारा जैसा बहुत सारा लोग को, मेरा जैसा हमारा नहीं है, मेरा जैसा बहुत सारा लोगों को वो ज्ञान देने के लिए और ब्रह्मा जी का द्वारा सुनाने के लिए मैं भगवान नहीं हूँ, मेरा ऊपर कोई और है वो बताने के लिए, तो नारद जी को ये मोह आ गया था, इसकी वजह से वो ये क्वेश्चन पूछा था आपका ऊपर कोई है नहीं तो आप ही सर्वोत्तम है, ये सब बहुत सारा क्वेश्चन पहले पूछ लिया था ना, वो सब पूछ लिया था। सो हमारा उद्धार करने के लिए चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला में सेकंड चैप्टर आई थिंक 12th श्लोक आई थिंक 12th एंड 13th में आता है, भगवान हमको उद्धार करने के लिए किसी का अंदर प्रवेश होता है करके। सो कभी कभी मानव का रूप में भी भगवान आता है, नहीं तो भगवान का शक्ति आवेश रूप में बाहर आता है। सो ऐसा ही हमको प्रभुपाद आ गया था, वो शक्तिवेश अवतार का जैसा ही प्रभुपाद आके हम सबको ये भगवान के बारे में ये सबका नॉलेज दिया था, इसको हमने यूज करके ये मनुष्य जन को उपयोग करके फिर से
भगवान के पास जाने के लिए करना है। इसके लिए हमने नहीं सोचना चाहिए वो मेरा अंदाजे से करूं, ये सब नहीं करूं, अनुमान से नहीं करना चाहिए, ओनली गुरु के पास जाना चाहिए। वह कभी कभी ये अर्जुन का भी नारद को भी मोह आ गया तो ऐसा नहीं है करके सोचना चाहिए। ये एक और है। बाद में प्रभुपाद ने लास्ट में क्या बोल रही है हमको, भगवान का विशिष्टता बता रहे थे। ओके, अभी मोह आ गया था, ये सब हो गया, मगर परमेश्वर कभी भी सब किसी के साथ तुलन नहीं है। ये असम ऊर्ध्व बोलते हैं भगवान को, मीन्स असम मीन्स इक्वल कोई नहीं है, ऊर्ध्व उनका ऊपर कोई नहीं है। सो ये भगवान का एक और सेंटेंस है, असम ऊर्ध्व बोलते हैं। सो इतना भी ब्रह्मा जी आए वो सब भी भगवान का इक्वल नहीं है। अभी देखो आज रामनवमी है, इसमें कोइंसिडेंट हमको इधर भी राम जी के बारे में भी आया था। से राम का इतना लोग है, प्रजा है, इतना अच्छे से पालन किया था, मगर भी राम राज्य बोलते हैं, क्योंकि राम को भी इतना विशिष्टता नाम क्यों आ गया था, क्योंकि वो कृष्णा है, कृष्णा ही राम की जैसे आ गया, इसकी वजह से उतना नाम हो गया था। अभी देखो युधिष्ठिर महाराज इतना अच्छा राजा है, मगर भी उनको ये भगवान का जैसा नाम नहीं मिला। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को अच्छा क्वालिटी से, मगर भी कभी भी भगवान का जैसा इक्वल नहीं है। क्योंकि एग्जाम्पल बोल सकते हैं, क्योंकि युद्ध में युधिष्ठिर महाराज को कृष्णा ने बताते आप झूठ बोलो करके, मगर युधिष्ठिर महाराज ने क्या बोलता है, नहीं 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 मैं नहीं झूठ बोलूंगी, मैं अच्छा पर्सन हूँ करके। मगर इधर क्या सोच रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज अच्छा आदमी है, कृष्णा ने इतना अच्छा वैल्यू नहीं, ऐसा करके बोल सकते हैं? नहीं, कभी भी इतना अच्छा भी हो कोई भी हो, हमने भगवान का तुलन नहीं कर सकता है। भगवान का इक्वल कोई नहीं हो सकता है, वो पर भी कोई नहीं हो सकता है। ये हमने कभी भी याद रखना चाहिए। प्रभुपाद ने ऑलवेज, क्योंकि ज्यादा अमेरिकन लोग तब लोग आपको कौन सिखा रही है करके ऐसा करके पूछ रहे, तो वो प्रभुपाद के बारे में वो लोग बोलते ये भगवान है करके तुरंत उनको ग्रुप से निकाल देते थे प्रभुपाद, क्योंकि कभी भी हमने भगवान नहीं हो सकता है। गुरु भगवान का रूप होता है, मगर भगवान नहीं हो सकता है। सो इसलिए कभी भी भगवान किसी के साथ तुलन नहीं कर सकता है। सो इसलिए हमने भगवान के बारे में मालूम होना चाहिए कौन है करके, वो भी हमने गुरु के पास जाके भी सीखना चाहिए। ये सब हमको प्रभुपाद ने इसका श्लोका द्वारा उत्तर दे रही है। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच माता जी, इतना सुंदर क्लास। और उद्धव प्रेस प्रभु बोल रहे हैं कि माता जी का हिंदी इतना मस्त है कि हमको सुनने को बहुत अच्छा लगता है। माता जी प्लीज, आई एम वेरी बैड, आई नो माता जी। माता जी कितना, मतलब आई मीन साउथ इंडियन लोग के हिसाब से, मैं एक दो माता जी इसको बोला है तो वो लोग बोलते नहीं माता जी हमारा हिंदी अच्छा नहीं है तो हम क्लास नहीं दे सकते, ऐसे वो इंग्लिश का हैबिट है अपने वहाँ भी दामोदर देश में भी। पर रियली माता जी, परम पूज्य जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज ने आपको नाम इतना मस्त दिया ना, उसी हिसाब से आप रस रानी और आपका क्लास में रस बहुत होता है। मैं सोच रही थी माता जी ने जल्दी क्यों वाइंड अप कर लिया, जल्दी क्यों बंद कर दिया, और भी कुछ पॉइंट्स हो गए माता जी, मुझे सोचा था टाइम हो गया करके। तो माता जी आपके पास 5-7 मिनट और भी है, अगर आपके पास कुछ बोलने के लिए प्लीज आप बोलिए। इट्स ओके माता जी, अगर मैं हाफ एन आवर बोलती हूँ तो 5-7 मिनट ऊपर नो प्रॉब्लम माता जी। हमने नॉर्मली प्रभुपाद ने एक और विषय बताया, इसमें मैंने वो पॉइंट टच नहीं किया था। हमने हमारा पूर्व लोग कोई है वो बनने के बाद उनको पूजा पाठ करते हैं, मगर क्या करते हैं, हमने उनको लेके जाके मंडप आल्टर पे रख के पूजा करते हैं, मगर इधर वो भी संदेश हमको प्रभुपाद ने दे रहे थे, क्योंकि कोई भी हो भगवान का रूप का इक्वल नहीं हो सकता, समानता नहीं होता है। सो उसको हमने ऑल्टर के बाजू में रख के उनको अलग से पूजा करना पड़ता है, मगर कभी भी वो उनको वीर पूजा करके वो भगवान का हिसाब से हमने नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता पिता दैव के समान है,
मगर दैव नहीं हो सकता है, वो हमने सोचना चाहिए। एक और पॉइंट इसमें प्रभुपाद ने ऐड किया था, एक और क्या था हमने अभी इसकी इसमें से मेन हमको क्या सीखना चाहिए, मूड क्या होना चाहिए हमारा, क्योंकि हमको उद्धार करने के लिए कोई हमारा गुरु जैसा लोग आते हैं, वो घमंड नहीं होना चाहिए हमारा अंदर। और उसके से देखो अभी भी मन हमने क्लास होने के बाद जय ऑल ग्लोरीज टू जय श्रील प्रभुपाद क्यों बताते हैं हम ऑल ग्लोरीज टू जय श्रील, क्योंकि वो गुरु की वजह से हमको ज्ञान मिला था। सो कभी भी हमने वो सबॉर्डिनेट होके, क्योंकि किसी का अंदर हमने सरेंडर करके उसी से भी ज्ञान लेना चाहिए। ऐसा नहीं है मुझे पता है मैं मालूम कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ ये काम, ऐसा करके नहीं सोचना चाहिए। कभी भी नम्रता से हमने वो ज्ञान सीखना चाहिए। सो ये एक और बड़ा बड़ा लेसन है हमको। सो गुरु को मानना है, गुरु के पास ही जाके सीखना चाहिए, मगर कैसा, नम्रता के साथ। ऐसा नहीं है मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी इसको पता है नहीं है देखता हूँ करके, ऐसा नहीं है, नम्रता के साथ जाना है। और कोई क्वेश्चन पूछा तो वो कैसा होना चाहिए, भगवान के बारे में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं मेरा बच्चे MBA पढ़ रही है पढ़ा हूँ नहीं है, ये सब ऐसा नहीं है, गुरु के पास जाके करना है। सो ये सब सीख हमने ले रही है। और कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए माता जी। और हमारा ज्ञान ज्ञान थोड़ा बढ़ाने से भी भगवत गीता में कौन सा श्लोक मुझे याद नहीं, अमानित्वम अदम्भित्वम करके आता है। सो हमारा अंदर वो गर्व नहीं होना चाहिए, और हमको क्या पता है वो सच्ची से बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं मुड़ मुड़ मुड़ा के हमने उसको, क्योंकि अभी देखो आपने माता जी ये मैंने बनाया नहीं है कुछ भी, मगर मैंने वो क्रेडिट में ले रही तो वो अच्छा नहीं है, उसका क्रेडिट हमने कौन बनाया उसको बोलना चाहिए। अभी देखो मुझे प्रसाद का सेवा मिला मगर मैं नहीं कर पाया, एक फ्रेंड ने करके दिया था, देन तुरंत वो सब लोग ओ आपने अच्छा किया, बहुत बड़ा किया, बहुत बड़ा किया बोलते, हाँ हाँ हाँ, वो नहीं, हमने अच्छे से क्या है वो बताना चाहिए हमने। सो ये सब हमने सीख लेके हमने गुरु के पास जाके सीखना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत सुंदर पॉइंट आपने फिर से ऐड किए। ये बहुत कॉमन में होता है, जैसे हमने भी काफी टाइम पहले तो देखा था कि जैसे किसी के घर पे भी मैंने देखा था कि उनके जो कोई गुजर जाता है, पेरेंट्स होते हैं या इन लॉज होते हैं, उनका फोटो मंदिर के अंदर रखते हैं, तो वो एक अपराध है उनको, मतलब क्योंकि हम डेमी गॉड्स और हम जो देवी देवता है और भगवान है उनको भी हम टेंपल में भी काफी लोगों को इंडिया में पता है, तो एटलीस्ट वो लोग ऐसा करते हैं कि टेंपल एक रखते हैं लेकिन ऐसे डिवाइड करके रखते हैं, डेमी गॉड्स का अलग होगा और मंदिर का मतलब भगवान का अलग होगा। बट हम अगर डेमी गॉड्स और भगवान को साथ में नहीं वो कर सकते हैं, तो फिर कोई गुजर गया के घर का जो मेंबर होगा, इन लॉज होंगे या पेरेंट्स होंगे, तो वो लोग उनका फोटो अंदर रखते हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि वो हमें नहीं करना चाहिए। और माता जी रियली बहुत सुंदर क्लास था, एंड मैं दूसरों को भी बोलूंगी अगर कुछ पॉइंट्स ऐड करने हो या कुछ डाउट हो, लेकिन जो भी पूछेगा जरूर पूछेगा और जल्दी पूछेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हम थोड़ा गैप रखे और फिर माता जी को भी कोई सेवा होगी, तो प्लीज आप लोग को कुछ भी पॉइंट्स ऐड करने हैं, हमें माता जी से कुछ सीखने मिलेगा और या तो फिर माता जी को हमसे कुछ सीखने मिलेगा और सुनने मिलेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु। माता जी आपका ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि हम लोग क्रेडिट जो लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली ना जब भी मतलब हमारे इस्कॉन में जब भी हमको क्लास देना होता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो हम लोग डेफिनेटली यूट्यूब पे जाके कितने सारे महाराज या प्रभु जी का हम लोग क्लास के पॉइंट्स लेते हैं, लेकिन और हम नॉर्मली ऐसा करते कि ऐसे लोगों से सुनते जो नॉर्मली कॉमन नहीं है, और फिर उनका पॉइंट जो कभी किसी ने सुना नहीं वो हम लोग बताते, मतलब कभी किसी ने सुना नहीं, और अगर हम किससे सुनाए देन इट इज लाइक टेकिंग क्रेडिट, क्योंकि जो सुनने वाला होता है उसको पता नहीं, उनको लगता है कि हाँ जी ने शायद खुद से बोल रहे,
बट आपने जैसे बोला वी शुड ऑलवेज मेंशन, ये मैंने सुना था और उनका पॉइंट है, अदरवाइज आपने बोला जैसे वो हम लोग वो अंदर एक वो ईगो का या फिर एक प्राइड रहता है कि मैंने बताया, तो वो क्रेडिट लेने का जो हमारे अंदर रहता है, तो आपने बता के बहुत अच्छा किया जी, विल ऑलवेज कीप इन माइंड। और जब हम जिसका है उसको जब क्रेडिट देते हैं ना, भगवान और खुश होते हैं और हमारा और प्यूरिफिकेशन होता है माता जी। yes, तो थैंक यू सो मच। अगर देखेंगे तो श्रील प्रभुपाद और हमारे गुरु से ही आ रहा है नॉलेज, वी आर जस्ट पैरेंट। बहुत ही स्ट्राइकिंग पॉइंट था माता, बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड आई विल कीप इट इन माइंड। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। साधु साधु साधुवाद, अनेक साधुवाद माता जी, आपने बहुत सुंदर समझाया। मैं थोड़ा ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, बीच में मेरा थोड़ा नेटवर्क की वजह से मिस हो गया, लेकिन आपने तो बताया होगा, लेकिन मैं सिर्फ क्योंकि मेरा मिस हो गया। तो माता जी, ये जैसे आज रामनवमी है, तो भगवान श्री राम प्रभु, आपका आवाज ठीक से नहीं आ रही है। माता जी सबको सुनाई दे रही है। हरे कृष्ण जीवन प्रभु। एक्चुअली जीवन प्रभु मायापुर धाम जा रहे हैं गुरु महाराज के, ट्रैवलिंग के पता था भी, गुरु महाराज के दर्शन करने और अपनी व्यास पूजा अटेंड करने। हरी बोल। हमारे गॉड ब्रदर है वो मुंबई में रहते हैं और अभी ट्रेन में है ना, इस वजह से आवाज कट हो गया है। तो गुरु माता की व्यास पूजा में जा रहे हैं और वहाँ पे दर्शन करने मायापुर टेंपल में, पर प्रभु का आवाज नहीं आ रहा है। किसी और को कुछ पॉइंट्स ऐड करने हो या कुछ माता जी से पूछना हो प्लीज ऐड कर सकते है। सनातनी ताई प्रभु, सुजाता, सनिका, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, बहुत बढ़िया क्लास था माता जी, थैंक यू वेरी मच माता जी, हरे कृष्णा। एक्चुअली आप सब लोग एक प्रोवर्ब बोलते, पता नहीं उसको क्या बोलते, महानता का लक्षण है हमने भगवान का महानता को स्वीकार करके उसका भगवान को सरेंडर करना ही महानता होता है। सो ये एक प्रोवर्ब था, मैंने कहा सुनी थी किसी लेक्चर में, सो मुझे वो अच्छा लगा था क्योंकि हमने भगवान का महानता को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको स्वीकार करना हमारा महानता होता है। वेरी नाइस माता जी, थैंक यू सो मच। आपसे आज बहुत कुछ सीखने मिला है, आप बहुत टाइम के बाद आए इसलिए बहुत कुछ हमसे पता चल रहा है। नहीं नहीं माता जी, एक्चुअली मैं वही बोल रही हूँ ना, ऑलवेज आपने देने के बाद मैं थैंक यू क्यों बोलती हूँ, इसीलिए क्योंकि इसकी वजह से मैंने कल रात थोड़ी दिन बैठी थी पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। अभी मॉर्निंग मैंने रामनवमी का दिन भगवान के बारे में बोलने के लिए अवकाश दिया था। सो नॉर्मली बोलते ना, हमने एक क्वेश्चन पूछा तो आई थिंक 10th कैंटो माता जी, श्रीमद भागवतम 10th कैंटो फर्स्ट चैप्टर 16th वर्स, वासुदेव कथा प्रश्न, मीन्स हमने वासुदेव के बारे में कुछ कोई क्वेश्चन पूछा था, प्रश्न पूछा तो क्या होता था, तीन लोगों का लाभ मिलता है। कौन है? एक पृच्छक मीन्स क्वेश्चन पूछने वाला, नेक्स्ट पृच्छक मीन्स बोलने वाला, श्रोतव्य सुनने वाला, और वक्तारम बोलने वाला। ये तीन, पृच्छकम क्वेश्चन पूछने वाला, वक्तारम बोलने वाला, श्रोतव्य सुनने वाला, ये तीनों का आत्मा तृप्ति हो जाता है। सो संतुष्टि मिल जाता है। सो यही है हम सबका आदान प्रदान की वर्णन से इतना लाभ मिलता है। सो इसलिए हमने क्वेश्चन से करके पूछते रहते हैं। सो इसलिए मैं थैंक यू बोलना चाहिए आप सबके लिए माता जी, थैंक यू सो मच, हमने एक आप सब लोग एक अवसर दिया मुझे।